हेलो दोस्तों, दिमागी खुराक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हमारे राजनेताओं द्वारा लिखे गए पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई चार प्रसिद्ध पुस्तकें, पहला है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, दूसरा है हिंद स्वराज, तीसरा है की टू हेल्थ, चौथा है इंडियन होम रूल। इन चारों किताबों के ऊपर अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन चारों किताबों को दिमाग में रखें। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इन दो किताबों के ऊपर अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें ज़रूर याद रखें। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक और पुस्तक है द लेटर्स फॉर ए नेशन। इसके ऊपर अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पर इन्हें भी याद रखें, क्या पता इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें, पहला है विंग्स ऑफ फायर, दूसरा है इग्नाइटेड माइंड्स, तीसरा है यू आर यूनिक, चौथा है इंडिया 2020। इनके द्वारा लिखी गई दो प्रसिद्ध पुस्तकें और हैं, इसका नाम है इनडोमिटेबल स्पिरिट, दूसरा है गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें, पहला है गीतांजलि, जिसके लिए डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, दूसरा है माय रिमिनिसेंस, तीसरा है द पोस्ट ऑफिस, चौथा है काबुलीवाला, पांचवा है द ब्रोकन नेस्ट। ये पांच किताबों के ऊपर अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पांच किताबों को याद रखें। इनके द्वारा लिखी गई कुछ और पुस्तकें हैं हंगरी स्टोन्स, गीता बिटान, द होम एंड द वर्ल्ड, रक्ता कराबी। सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें, पहला है द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, दूसरा है द फीदर ऑफ द डॉन, तीसरा है द एक्सकेप्टेड फ्लूट सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। इन तीन किताबों के ऊपर अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखें। इनके द्वारा लिखी गई एक और पुस्तक है, इन्हें भी याद रखें, द ब्रोकन विंग्स सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, पहली पुस्तक है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दूसरी पुस्तक है पावर्टी ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा लिखी जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, पहली पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, दूसरी पुस्तक का नाम है गुबार ई खातिर। इन दो किताबों के ऊपर अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखी जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया, वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है माय ट्रूथ, वहीं लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखी जाने वाली दो प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हैं, पहली पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, वहीं दूसरी पुस्तक का नाम है द आर्कटिक होम इन द वेदा। वहीं PV नरसिम्हा राव जी द्वारा लिखी जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द इनसाइडर। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है एग्ज़ाम वॉरियर्स, वहीं लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा लिखी जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है मे काफ, वहीं पर नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बराक ओबामा जी के द्वारा लिखी जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, पहली पुस्तक का नाम है द ऑडेसिटी ऑफ होप, वहीं दूसरी पुस्तक का नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ये तीन नेता ऐसे हैं जो हमारे देश से नहीं है, लेकिन इनके ऊपर अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तकों के नाम बताइए। नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा
और एडॉल्फ हिटलर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।